रात के 2:45 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। वाह। सो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बहुत लंबी करता हूँ, एक लाइन को पैराग्राफ बना देता हूँ। एग्जैक्टली ये करा था मैंने, तो मैं उस चीज़ को चैलेंज करना चाह रहा हूँ एंड ऑब्वियसली दैट विल बी हैपनिंग बाय गिविंग माई सेल्फ स्मॉल बट डूएबल चैलेंजेस स्टेप बाय स्टेप। आई एम गिविंग माई सेल्फ 1 मिनट, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन आई एम गिविंग माई सेल्फ 1 मिनट टॉक अबाउट माई सेल्फ वेरी ब्रीफली। दिस विल बी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मैंने कुछ इसके पीछे प्लानिंग व्लानिंग नहीं की है। दिमाग में एक आइडिया आया एंड आई वाज लाइक मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मैं अभी कुछ कर नहीं रहा। लेट्स डू दिस। 3, 2, 1। ओके, मेरा नाम ताहा है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। आई प्ले फुटबॉल क्वाइट अ बिट, पहले खेलता था, अब बहुत कम हो गई है। आई वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर एट वन टाइम, लेकिन मेरे अबू ने कहा था नहीं तुम BBA करो पहले, PBA तो नहीं, डू डिग्री एंड उसके बाद आप खेल लेना, जब भी जो भी करना तुम कर लेना। लेकिन आई नो दैट नेवर हैपेंड। सीपी वॉज द ओनली प्लेस आई वॉज देयर फॉर 4 ईयर्स कंजेक्टिवली। उससे पहले मैं जहाँ जा रहा था हर जगह मैं मूव होता रहता था। आई हैव बीन इन 7 डिफरेंट स्कूल्स, सो दैट्स व्हाई आई डोंट रियली हैव दैट मेनी लॉन्ग एंड ओल्ड फ्रेंड्स। आई मेक इनअप्रोप्रिएट जोक्स व्हेन आई शुड नॉट। और क्या है, आई एम नॉट लिमिटेड टू दैट। So as you can see from this little exercise, talking about yourself is not that easy. Usually what people do is usually fake it out. Jitna bhi bullshit kar sakte ho karte rahoge just to make the other person like you. Aap apne aap ko fake bana rahe ho and then you have to carry out that persona jahan pe aap jaoge aage jaake. It's strange ki maine ye sab kuch bola hai, because jo aadhi cheeze hain jo main इंटरव्यूज में बोलता हूँ मैंने यहाँ पे कवर ही नहीं किए हैं। जैसे इंटरव्यूज में मैं बोलूँगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी ये, आई एम वेरी वो, फलाना ढमकाना, मैंने कुछ भी नहीं बोला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल डू फेक इट आउट नाउडेज। सब लोग अपने आप को एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि दूसरा बंदा हम लोग को बस लाइक करे। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। एवरीबॉडी हैज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट दोस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस and most people don't. What I'm trying to say is you should respect yourself and not let any other person make you think ki aapko ye karna chahiye rather than jo aap hain already. I hope kuch hua usse. I don't really think kuch hua hoga is bhashan se, lekin let's see, phir milte hain.